हेलो दोस्तों, मैं सुधीर कुमार। दोस्तों 67 बीपीएससी जो देने जा रहे हैं उनके लिए जो इम्पोर्टेंट है, मैंने कल है जो बेरोजगारी का बहुत विस्तृत तरीके से है जो मैंने है जो बताने का प्रयास किया था और लोगों ने है जो उसे देखा। और आप लोग से यही निवेदन है कि जब वीडियो देखते हैं तो लोगों को भी जरूर शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। अगर आप चैनल पर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम दोस्तों इंटरनेशनल रिलेशन जो GS1 का जो पेपर है उसका जो इम्पोर्टेंट है जो क्वाड जो इस बार लगातार बैठक है जो 2021 के सितंबर से जो हो रही है और लगातार है जो 3 बैठक हो गई, तो इस बार है जो क्वेश्चन है जो क्वाड से रहेगा और साथ में है जो आपका जो ऑकस है जो ऑकस बनाया गया है उससे भी है जो क्वेश्चन है जो एड करके है जो पूछने का जो प्रयास है जो जरूर करेगा। तो आज दोस्तों इसी क्रम में है जो आपसे हम बात करेंगे। पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लोगों के भी शेयर कर दीजिएगा। तो क्वाड और ऑकस जो है दोस्तों ये है जो इस बार है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम पहले क्वाड की चर्चा कर लेंगे, उसके बाद है जो ऑकस की है जो चर्चा है जो हम उसके बाद जरूर करेंगे। तो क्वाड आपके लिए जो इंडिया के लिए है जो दोस्तों है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वाड हम क्वाड के ही है आज की जो चर्चा रखेंगे, हम क्वाड पे रखेंगे। हम इस पे है जो चर्चा है जो बाद में करेंगे क्योंकि ये भी है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और दोनों को मिलाकर है जो पूछेगा इस पर क्वेश्चन कहेगा कि क्या इसका वैकल्पिक है, ये वैकल्पिक रूप है। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन है जो बनेंगे, लेकिन आज हम है सिर्फ क्वाड पे जो बात करेंगे। तो दोस्तों कुछ कीवर्ड्स की बात करेंगे जो आपको एग्जाम में लिखना है, वहां पर 100% लिखना है, तब है जो आपके आंसर्स में है जो आपकी जो है गहराई है जो दिखाई देगी। कुछ ऐसे वर्ड्स जो है वहां पर है जो आपको यूज करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि यहाँ का 3 रिलेशंस हम बनाते हैं, 3 रिलेशंस बनाते हैं इसमें हम। एक हो गया आपका भारत जो बहुत अपना इम्पोर्टेंट प्यारा भारत अपना, दूसरा हो गया अमेरिका और तीसरा हो गया चीन। दोस्तों हम जो बात कर रहे हैं उस बात को समझिएगा, तब है जो इसके जो गहराई है जो पता चलेगी कि क्यों है जो ये इतना इम्पोर्टेंट है क्वाड। देखिए दोस्तों, भारत, अमेरिका और चीन, चीन क्या सोचता है? चीन का कहना है कि जो आपका जो हिंद प्रशांत है या दक्षिण एशिया का पार्ट है, चीन कहता है कि ये जो है यूनिपोलर साउथ एशिया हो। क्या हो? यूनिपोलर साउथ एशिया हो, यूनिपोलर साउथ एशिया हो। ये कह रहा है कि चीन का जो मानना है कि ये जो क्षेत्र है जो दक्षिण चीन सागर है और हिंद प्रशांत का जो क्षेत्र में जो इसका दबदबा है, वो कहता है कि यूनिपोलर साउथ एशिया हो। माने इस क्षेत्र में है जो सिर्फ है जो मेरा ही दबदबा है। अमेरिका सोचता है क्या कि मल्टीपोलर साउथ एशिया हो। अमेरिका क्या चाहता है कि मल्टीपोलर साउथ एशिया हो, और भारत भी चाहता है कि मल्टीपोलर साउथ एशिया हो। सबसे पहली भिन्नता, भिन्नता नंबर 1 में अगर हम बात करेंगे तो सबसे बड़ी भिन्नता है कि भारत भी चाह रहा है और अमेरिका भी चाह रहा है, चीन भी चाह रहा है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कहा जाता है दोस्तों कि अपनी राजनीतिक हित के लिए किसी भी देश के या तो साथ जा सकते हैं या उसको बलि दे सकते हैं। वहां पर कोई हित नहीं है, अपना हित, एक चीज ध्यान रखिएगा। दूसरा कंडीशन में अगर हम चलते हैं दोस्तों, तो चीन कहता है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड हो। चीन कहता है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड हो। अमेरिका कहता है कि यूनिपोलर वर्ल्ड हो, यूनिपोलर, यूनिपोलर वर्ल्ड हो। और भारत क्या चाहता है? भारत चाहता है मल्टीपोलर वर्ल्ड हो।
इसका मतलब है दोस्तों कि इस हित में है, जो इस हित मिल रहा है, लेकिन ये हित नहीं मिल रहा है। इंटरेस्टिंग पॉइंट यही है कि स्वार्थ हित में देखते हुए अंतरराष्ट्रीय राजनीति की एक ऐसी गठबंधन बनती है जिसका अंदाजा है जो अगले दिन भी कोई नहीं लगाया जा सकता कि क्या होने वाला है इस राजनीति में। अब देखिए कि चीन कहता है कि भाई मल्टीपोलर वर्ल्ड हो, अकेला नहीं, कहता है कि सभी का है जो सहभागी हो, लेकिन अमेरिका कहता है कि नहीं वर्ल्ड होगा तो उस पर जो हम राज करेंगे, और भारत कहता है कि भाई हम तो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ चलते हैं, शांति समृद्धि के साथ आगे बढ़े, वही है जो भारत कहता है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड हो। दोस्तों वही चीज है कि हम समझाना चाह रहे हैं इस वर्ड को है जो जरूर है, जो आप है जो जरूर यूज कीजिएगा। नहीं समझ रहे हैं दोबारा समझाएंगे, भारत मल्टीपोलर प्लस मल्टीपोलर वर्ल्ड माने दोनों साउथ एशिया भी और वर्ल्ड भी चाहता है। भारत चाहता है कि विविधता का देश होना चाहिए, विविधता का राज होना चाहिए। अमेरिका चाहता है कि मल्टीपोलर साउथ एशिया हो, साउथ एशिया मल्टीपोलर हो लेकिन वर्ल्ड है जो पर अकेला राज करे। चीन कहता है कि अकेला यूनिपोलर साउथ एशिया हो लेकिन मल्टीपोलर वर्ल्ड हो। तो ये सब चीजें जो है आपको कहीं ना कहीं है जो आपको है जो एग्जाम के अंदर में जो आपको लिखना होगा, किन्हीं को स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, इन्हें जो क्वाड पे हम विशेष चर्चा करेंगे, और हम वही चर्चा करेंगे जो एग्जाम में आएगा। हिस्ट्री थोड़ा सा इसका बताएंगे, उसके बाद में हम आपसे चलेंगे। दोस्तों इसको हटाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट, आपने एक रिपोर्ट की चर्चा जरूर करनी है, एशिया पावर इंडेक्स की चर्चा, एशिया पावर इंडेक्स। एशिया पावर इंडेक्स कहता है दोस्तों कि जो भारत जो हिंद प्रशांत का एरिया है, जो दक्षिण एशिया कैसा है, उसमें है जो किसका दबदबा है जो सबसे ज्यादा है। आज से जब 2000 सन के आसपास अगर बताएं दोस्तों, तो यहां पर है जो बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस तो जो था वो अमेरिका का था, बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस, करीब करीब 90% के आसपास जो इन्फ्लुएंस है जो उसका था, वो है जो सिर्फ है जो कूटनीतिक और राजनीतिक स्तर पर है जो वहां पर, और सैन्य स्तर पर है जो काम करता था, राजनीतिक स्तर पर है जो कभी हस्तक्षेप है जो नहीं करता था। एशिया पावर इंडेक्स में है दोस्तों अमेरिका, चीन, भारत और जापान, ये चारों को लेते हैं। इसमें है दोस्तों 74% है जो पावर अभी भी है जो अमेरिका के बारे में एशिया पावर इंडेक्स बताता है। चीन है जो दोस्तों है जो 68%, भारत 32% और जापान का है जो 7% है जो यह जो रिपोर्ट्स के अंदर बताता है। लेकिन कहीं ना कहीं है जो अमेरिका की गिरती, एशिया में जो गिरती हुई स्थिति है वो है जो उसको मेंटेन करने के लिए जो दोस्तों है जो क्वाड, I2U2, ऑकस, ये जैसे अंतरराष्ट्रीय गठबंधन की एक नई रूप है जो लेकर आ रहा है, और इस चीज को है जो कभी अमेरिका जाने नहीं देना चाहता है कि 21वीं सदी पर जिसका हिंद महासागर और साउथ एशिया पर जिसका है जो प्रभुत्व रहेगा वही है जो आगे है जो पावरफुल बनेगा। आपको बता दें दोस्तों कि अमेरिका और चाइना के बीच में 24 ट्रिलियन और 13 ट्रिलियन ये है जो दोस्तों है जो इकोनॉमी है, और इस कोविड के बाद ये है जो सरपट दौड़ रही है, इसका है जो निगेटिव है वो फिर अर्थव्यवस्था में चले जाएंगे, इसीलिए इसको है जो मेंटेन करने के लिए है जो कहीं ना कहीं है जो अमेरिका है जो दोस्तों है जो इस पे है जो काम कर रहा है, तो इसको भी है जो यहां पर लिखने की बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे जो है और है जो क्या क्या है जो आपको लिखना है। देखिए दोस्तों क्वाड का अगर हम बात करें तो क्वाड है जो चार देशों का है जो समूह है, जो सबसे जो इसका जो मेन उद्देश्य जो है कि हिंद प्रशांत जो है उसको है जो सुंदर स्वच्छ एवं पारदर्शी तरीके से है जो वहां पर है जो सब देश अपना है जो नौवहन संचालन करे, शांति हो, सुखी हो, समृद्धि हो, यही है जो दोस्तों है जो क्वाड का है। क्वाड के अगर चार रूपों में अगर देखे दोस्तों तो अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया। कुछ कहानी अगर सुनना चाहते हैं दोस्तों तो क्वाड की जो स्थापना का जो मेन जो बीज जो बोया गया था वो है जो 2004 में है जो
जो सुनामी आई थी 2004 में जो नाम है, फिर है जो 2007 में है जो सुनामी कोर ग्रुप है जो उसका नाम दिया गया था 2007 में, उसको है जो सुनामी कोर ग्रुप है जो नाम दिया गया था। लेकिन दोस्तों जो शिंजो अबे है जो उन्होंने है जो इस चीज की पहले अवधारणा रखी और 2017 में इसे है जो हिंद प्रशांत की अवधारणा का है जो नाम दिया गया, 2017 में इसको है जो हिंद प्रशांत अवधारणा है जो इसको दिया गया। हिंद प्रशांत अवधारणा जो फिलीपींस में बैठक हुई थी, कहां हुई थी, फिलीपींस में जो बैठक हुई थी वहां पर है जो इसका नाम दिया गया। और फिर है जो दोस्तों है जो 2019 में इसके जो विदेश मंत्री की बैठक होती है और 2021 में जो बैठक आप देखिए कि सितंबर में होती है, मार्च में होती है और फिर अभी है जो हुई है। तो निश्चित रूप से है जो उसको है जो आप देख सकते हैं, वो हिस्ट्री का बैठक वो आपको लिखने की है जो ज्यादातर है जो जरूरत है जो नहीं है। तो और हम बताएं दोस्तों कि इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो है जो क्वाड 2022 का जो बैठक हुआ टोक्यो में जापान में, जापान में हुआ। और इससे पहले जो हुआ दोस्तों जो वो है जो अमेरिका में हुआ, इन पर्सन टू पर्सन सबसे पहली बैठक जो हुई अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में हुई, वो है जो दोस्तों है जो आपको मार्च फरवरी मार्च के आसपास में जो बैठक हुई थी 2022 में, वो है जो इन पर्सन बैठक थी, इन पर्सन पहली बैठक है जो हुई थी। उसमें है जो दोस्तों है जो इसके उद्देश्य के बारे में है जो सबसे पहले जो बात किया गया कि इसका उद्देश्य क्या है, उसके जो मेन उद्देश्य है उस उद्देश्य पे हम चर्चा करेंगे और वही है जो आपको लिखना है। ये तो दोस्तों क्वाड 1.0 इसका नाम दिया गया, लेकिन इसमें चार देश और जुड़ते हैं तो उसका नाम हो जाता है क्वाड 2.0, जिसमें वियतनाम हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया और दक्षिण कोरिया। उसमें जब चार देश और जुड़ते हैं तो उसका जो है क्वाड 2.0 का है जो नाम है जो इसको है जो दिया जाता है, जिसमें आपको साउथ कोरिया, वियतनाम, न्यूजीलैंड ये है जो दोस्तों है जो जितने भी देश है ये जुड़ते हैं तो ये हो जाता है आपका वियतनाम है जो हो जाता है क्वाड 2.0 जो हो जाता है। तो क्वाड 2.0 और क्वाड 1.0 कभी कोई क्वेश्चन है जैसे पूछ देता है तो यहाँ पर है जो इस चीज को आपको समझने की जरूरत है। पहला है दोस्तों कि कुछ हम बात करेंगे जो इस बार जो बैठक हुई है उस बैठक के कुछ प्रमुख मुद्दों पर अगर हम आपसे अगर बात करें तो उसपे है जो इम्पोर्टेंट चीज है उस पर हम आपकी है जो रूबरू है जो आपको करवाते हैं। सबसे पहला जो इसका जो मेन है जो आपको थीम है आपको लिखने के लिए जो इम्पोर्टेंट जो थीम है उस थीम पे हम बात करेंगे, खुला तथा स्वतंत्र हिंद प्रशांत क्षेत्र। ये सबसे मेन इस चीज का जो क्वाड का जो है खुला एवं स्वतंत्र हिंद प्रशांत क्षेत्र, हमको इसको समझने की जरूरत है दोस्तों। वही आप एग्जाम में लिख रहे हैं तो आपके पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आप जो समझिए आप कितना रट के कभी जो लिख ही नहीं सकते हैं। तो इसमें जो है सबसे पहले बताया है कि जो खुला स्वतंत्र एवं हिंद प्रशांत क्षेत्र, इसका मतलब कह रहा है कि जो भी यहाँ पर जो ए तो है आप जान रहे हैं यहाँ पर है जो नौवहन सुरक्षा, यह जो बहुत बड़ी समस्या है हमेशा है जो चीन है जो हमेशा है जो इस पे है जो कहता है कि हमारा 90% इसका जो अधिकार है, लेकिन ये कहता है कि नहीं अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार है जो यहाँ पर कोई भी है जो देश है जो अपना है जो कार्य करेगा किसी का एक अधिकार मोनोपोली है जो यहाँ पर है जो नहीं चलेगा। तो इसलिए दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है नौवहन को है नियम आधारित व्यवस्था स्थापना करना, जो है कहा है कि नियम आधारित व्यवस्था जो नियम आधारित है। जैसे नौवहन में हम अनक्लॉस की अगर बात करें, अनक्लॉस 1982 में स्थापना हुआ था, यह है जो दोस्तों स्वस्थ जो है नौवहन प्रणाली की क्या होगा कितना नॉटिकल मील होगा किसका क्या वो पूरा है जो दोस्तों अनक्लॉस है जो है जो पूरा है जो उसका जो देख रेख करती है और उसके अनुसार से जो अंतर्राष्ट्रीय जो जल क्षेत्र है उस क्षेत्र का है जो निर्धारण है जो अनक्लॉस के माध्यम से जो किया जाता है।
अंतरराष्ट्रीय कानून में अगर किसी प्रकार की व्यवधान आती है तो अंतरराष्ट्रीय कानून से है जो उसका है जो समाधान है जो करना पड़ेगा। क्षेत्रीय एकता अखंडता का है जो सम्मान करना, क्षेत्रीय एकता अखंडता, क्षेत्रीय एकता एवं अखंडता, यह है जो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हमेशा है जो चीन के ऊपर है, जो हमेशा है जो प्रश्न उठा है कि है जो कहीं ना कहीं है जो एकता और अखंडता को है चीन है जो वहां पर खंडित करता है, इसलिए इसमें है जो मेन मुद्दे में है जो दोस्तों खुला एवं स्वतंत्र हिंद प्रशांत में इसको है जो पॉइंट आउट किया गया है। एशियान तथा अन्य देशों के साथ है जो और सहयोग बढ़ाना है, जो एशियान के देश है, एशियान के जो देश है 10 देश है उसके साथ है जो और है जो संबंध है जो मजबूत करना है, मजबूत करना है, क्योंकि एशियान के देश है जो पूरा है जो टच है दोस्तों उसी के माध्यम से जो यहाँ पर जितने भी हैं जो आज चीन के साथ है जो स्थिति कहीं ना कहीं है जो अनबन हो रही है उसमें एशियान के भी देश हैं, जो भारत के साथ है जो भी है हाल फिलहाल रक्षा सौदा जो ब्रह्मोस किया था, तो इस सबको कनेक्ट करके है जो लिखना है। तो खुला एवं स्वतंत्र हिंद प्रशांत क्षेत्र, हिंद प्रशांत क्षेत्र है जो दोस्तों 7.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, 7.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर है दोस्तों, ये जो ध्यान रखेगा। अगर हम सारे इसके बारे में अगर कुछ और हम बता दें दोस्तों तो इसमें टोटल 38 देश हैं हिंद प्रशांत के, हिंद प्रशांत के बारे में, हिंद प्रशांत के बारे में देख लीजिए थोड़ा सा, इसमें है जो टोटल 38 देश हैं दोस्तों, 38 देश हैं इसमें। फिर है जो 44% भौगोलिक एरिया है इसका, 44% है जो भौगोलिक एरिया है, भौगोलिक एरिया है 44% है जो भौगोलिक एरिया है, 65% जनसंख्या है, 65% जनसंख्या है, लिख लीजिएगा इस सब डेटा है जो आपको मिल जाएगा। 62% जीडीपी है, 62% है जो जीडीपी है। तो कहा जाता है दोस्तों कि क्वाड के अगर बता दीजिए कि हिंद प्रशांत में जिसका कंट्रोल होगा तो आधी आबादी, आधी व्यापार और आधी जनसंख्या है जो उसके है जो करीब में आ जाएगा, आधी भौगोलिक एरिया भी उसके है जो कंट्रोल में आ जाएगी, तो सोचिए कितना पावरफुल अगर हो जाएगा वो। तो इसीलिए हिंद प्रशांत 21वीं सदी के लिए महत्वपूर्ण है और कहा गया है कि 21वीं सदी उसी का होगा जो है जो उस पर राज करेगा। भारत कह रहा है कि हम है जो इसका नेतृत्व करेंगे और सभी के साथ है जो मिलकर नेतृत्व करेंगे, भारत का कहना है कि हम सभी के साथ शांति समृद्धि और विकास के माध्यम से है जो नेतृत्व करेंगे, सिर्फ 21वीं सदी का नहीं हम आने वाला समय में भी है जो हम है जो लोगों के साथ है जो मिलकर है जो आगे बढ़ेंगे। तो ये है जो पहले में हिंद प्रशांत के बारे में है वो है जो आपको हम बता देते हैं। साउथ चाइना सी के बारे में आगे हम डिटेल में चर्चा करें नहीं तो डिस्कस हो जाएगा। तो यह दोस्तों हिंद प्रशांत के बारे में था। तो आपको जो पहला पॉइंट था खुला एवं स्वतंत्र हिंद प्रशांत क्षेत्र वो है जो दोस्तों ने जो बताने का प्रयास किए, तो आपको याद रखना है कि खुला एवं स्वतंत्र हिंद प्रशांत, तो वहां 9 बहन की चर्चा करनी है आपको, वहां पर क्षेत्रीय और अखंडता की बात करनी है, वहां पर है जो अनक्लॉस की चर्चा करनी है, भारत के साथ जो स्थितियां है वहां पर है चर्चा करनी है, चीन की वहां नकारात्मक में पॉइंट लिख देगा कि चीन यहाँ पर है जो अपने प्रतिनिधि बनाकर है जो यहाँ पर क्षेत्रीय और अखंडता को कहीं ना कहीं है जो समस्या उत्पन्न कर रही है, इसलिए है दोस्तों यहाँ पर है इसको है जो एक पॉइंट दे दीजिएगा। दूसरा अगर हम बात करें दोस्तों तो कोविड प्रबंधन में साझेदारी, तो कोविड प्रबंधन की साझेदारी को यहाँ जो काम किया गया था उसका है जो समीक्षा दिया गया है जो हमें इसको करना पड़ेगा दोस्तों। तो क्वाड वैक्सीन पार्टनरशिप है जो दोस्तों है जो बनाया गया है और है जो उपलब्धता वितरण और भंडारण की है जो पूरी व्यवस्था जिसमें है जो सप्लाई चेन कौन देखेगा, विनिर्माण क्षेत्र कहाँ होगा, कहाँ पर है जो इसको किस प्रकार से है जो काम किया जाएगा, तो कोविड प्रबंधन की साझेदारी में दूसरा अगर है कोविड प्रबंधन ये दोनों में था हमेशा एक पॉइंट इससे पिछले बैठक में भी था और इस बैठक में भी है जो दोस्तों है जो इसको है जो ऐड किया है तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो कोविड पार्टनरशिप की स्थापना करने की बात की गई, 670 मिलियन से अधिक कोविड वैक्सीन को है जो दोस्तों इन्होंने है जो रिलीज किया है, 670 मिलियन से अधिक है जो दोस्तों क्वाड के जितने भी 4 देश है और उसमें 265 मिलियन जो है इंडो पैसिफिक का था, उसमें 265 मिलियन जो था वह जो इंडो पैसिफिक का था, डेटा याद न रहे थोड़ा आगे पीछे हो आप लिखिएगा। दूसरा है दोस्तों कि प्रभावी किफायती और गुणतापूर्ण वैक्सीन है जो साझा किया गया, ये है जो इसका है जो टेस्टेड है और गुणतापूर्ण है उसको है जो दोस्तों है जिसको तो उत्पादन
भंडारण और वितरण माने सप्लाई चेन को भी है जो इसपे है जो ध्यान रखा गया, सभी देशों को जो पहुंचाया गया, कैसे वहां पर काम करना उस पर भी है जिसपे ध्यान है जो दिया गया था। कोविड सेकंड कोविड समिट भी इसको बोला गया दोस्तों, क्वाड के अंदर में इसको सेकंड कोविड समिट भी है जो बोला गया है, समिट भी बोला गया है इसको, ध्यान रखिएगा। तीसरा है कि 3.2 बिलियन डॉलर का है जो वित्तीय व नीतिगत सहायता है जो इसके लिए जारी किया गया है, 3.2 बिलियन डॉलर का है जो नीतिगत सहायता भी है जो इसके लिए है, जो हम बोल रहे हैं लिखने के लिए तो ज्यादा लिखने से बढ़िया है आप समझिएगा, अगर आपको लिखने के लिए होगा तो बोल रहे हैं तो लिख लीजिएगा उसे। 3.2 बिलियन डॉलर जो है नीतिगत सहायता है जो प्रदान किया गया है, नीतिगत सहायता है जो प्रदान किया गया है। और वैश्विक स्वास्थ्य संरचना को मजबूत करने, जहां जो भी गरीब देश है वहां पर इस स्वास्थ्य अवसंरचना को है जो बढ़ाने के लिए जो भी बात किया गया है, तो वैश्विक स्वास्थ्य अवसंरचना, वैश्विक स्वास्थ्य अवसंरचना को भी है जो बढ़ाने का जोर दिया गया है, माने ग्लोबली जहां पर जैसे अफ्रीका के देश हैं जहां पर समस्या है वहां पर अवसंरचना को है जो वहां पर है जो डेवलप करेगा, तो ये भी है जो क्वाड में बात की गई है। और इसका वैश्विक कोविड समिट का भी जिक्र है जिसमें जो हमने कर दिया, तो कोविड के बारे में अगर वो जान तो उत्पादन भंडारण और वितरण बाकी 670 मिलियन जो है जो वैक्सीन दिया गया उसमें 265 मिलियन है जो सिर्फ हिंद प्रशांत क्षेत्र को दिया गया, और है जो 3.2 बिलियन डॉलर का है जो नीतिगत फैसला है जो लिया गया है इसे और मजबूत करेंगे, और वैश्विक स्वास्थ्य अवसंरचना को है जो मजबूत करने की जो बात की गई है। तो है जो दोस्तों है जो ये है जो दूसरा बात है कोविड से रिलेटेड, ये है जो आपकी जो है समीक्षा है, उस समीक्षा है जो जरूर कीजिएगा। आगे जो है एक दिन में तो रिक्वायर्ड नहीं होगा, अगले दिन भी है जो अगर होगा तो उसके साथ थोड़ा कर देंगे कि इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है, क्योंकि दोस्तों हर चीज क्या है जो आपको मिलाकर लिखना होगा, नहीं तो आप एक जगह से आप नहीं पूरा एक दिन होता कहीं भी है जो मिल नहीं मिलता है तो आपको है वहां पर काम करना होगा। तीसरा है दोस्तों क्रिटिकल एवं उभरती तकनीक में सहयोग एवं साझेदारी करना, जो अभी जो क्रिटिकल कंडीशन से जो उभर रही तकनीक है उसमें है जो कैसे है जो सहयोगी सहयोग एवं साझेदारी करेगा क्रिटिकल, क्रिटिकल एवं उभरती तकनीक, उभरती तकनीक तकनीक में सहयोग एवं साझेदारी, सहयोग एवं साझेदारी। आज जो है दोस्तों जो तकनीक है उसमें सबसे ज्यादा समस्या क्या है कि साइबर सिक्योरिटी का बहुत ज्यादा है जो समस्या है जो उत्पन्न हो रहा है, साइबर सिक्योरिटी का समस्या है जो बहुत ज्यादा उत्पन्न हो रहा है, तो निश्चित रूप से है जो दोस्तों इसके लिए है जो ई क्वाड भी है जो इस चीज पे है जो काम कर रहा है, और चाइना जो है जितने भी देश है उसके अपने तकनीक के माध्यम से वहां की गोपनीय सूचना जो है कहीं ना कहीं है जो वो है जो प्राप्त कर रहा है, तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है जिसमें है जो क्या है आपका साइबर साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी। तो साइबर सिक्योरिटी के लिए है दोस्तों है जो ये देश है जो अपने में डेटा रियल टाइम डेटा को शेयर कर रहे हैं कि अगर किसी प्रकार का अगर आपके अवसंरचना अगर किसी प्रकार के प्रतिष्ठान पर अगर हमला होता है तो हम है जो इसका है जो मुकाबला करेंगे, तो भाई जब इस साइबर सिक्योरिटी आ गया तो इसके लिए जो अवसंरचना नीतिगत निर्माण नीतियां तो बननी चाहिए ना, तो भाई इसके बाद आगे है जो इसके लिए जो नीति बना रहा है नीति निर्माण कर रहा है, इसके लिए क्या कर रहा है नीति निर्माण कर रहा है जो, और है इसके लिए जो है इम्पोर्टेंट है कि जो 5G ब्लॉक जी जितना भी जो 5G है ब्लॉकचेन है इंटरनेट ऑफ थिंग्स है उसके माध्यम से है जो कहीं ना कहीं है जो दोस्तों है जो उस पर है जो काम कर रहा है। 2 मिनट रुकेगा दोस्तों, हाँ तो नीति निर्माण हम बोल रहे थे कि नीति निर्माण पे है जो बल देने की है जो बात किया गया है, नीति निर्माण पे है जो बल देने की बात किया गया है, तो इसमें जो दोस्तों 5G टेक्नोलॉजी है, 5G टेक्नोलॉजी है, ब्लॉकचेन है,
ब्लॉकचेन है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, जितने भी क्रिप्टो है, ये सब जितने डिजिटल डिजिटल अर्थव्यवस्था में जो समस्या आ रही है उसको भी है जो ये दूर करेगा। लेकिन चाइना को यहाँ पर सबसे पहले चीज है कि है जो वहां वो जो कहीं ना कहीं जो सभी देशों के साथ जो उनकी साइबर सिक्योरिटी जो हमला हो रहा है उसमें चाइना का बहुत बड़ा रोल है। इसलिए 5G जो भारत में जो कंपनियां थी उसको है जो दोस्तों वहां से भारत ने जो हटा दिया कि हो सकता है कि डेटा है जो भारत का इस प्रकार से ऐसा माना जा रहा है कि साइबर सिक्योरिटी के माध्यम से जो एक हम केस स्टडी बताते हैं दोस्तों, मुंबई में बिजली उपकरण थी, बिजली जो यहाँ पर जो बिजली प्रोवाइड करती है वो है जो पूरा है जो 2 घंटे के लिए जो पूरा बंद हो गया और अगले दिन है जो टाइम्स ऑफ इंडिया में उसका आर्टिकल आया था कि चीन की किसी कंपनी के द्वारा है जो उस पर साइबर अटैक का जो हमला था जिसके कारण है जो उसको है जो उसकी जो पूरी जो 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 सप्लाई चेन था उसको है जो बार बार है जो ब्रेक हो रहा था। तो इस तरह के जो केसेस है जो देखने के लिए मिले हैं तो निश्चित रूप से जो कहा जा सकता है कि साइबर सिक्योरिटी है जो बहुत बड़ा है जो मामला है। तो इस पे है दोस्तों जो बात करने की बात करेंगे, सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन की शुरुआत करने की बात की गई है। इसमें है जो सेमीकंडक्टर की सप्लाई चेन की जो बात की गई है, सेमीकंडक्टर का भी हाल ही फिलहाल में जो गुजरात में जो दोस्तों है जो खुला है आप देखे होंगे। तो इस पे सेमीकंडक्टर का बहुत बढ़िया और भारत ने जो ताइवान के साथ कैसा है जो अपना रिलेशन बनाया और 70% 60% है जो सेमीकंडक्टर पे जो ताइवान का हिस्सा है और चीन वर्सेस ताइवान में भारत हमेशा समर्थन जो रहा है वो है जो ताइवान का रहा है। वन चाइना पॉलिसी की अलग बात है उसको छोड़ दीजिए, अभी वन चाइना पॉलिसी अब है धीरे धीरे जो कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में जो पड़ जाएगा। तो इस पे जो बात की दोस्तों, तो आपको रियल टाइम डेटा जब तक आप नहीं समझिएगा तो रटने से आप है जो एक दो पॉइंट तक लिख सकते हैं। आगे हम बात करें दोस्तों तो आतंकवाद तथा अफगानिस्तान, या अफगानिस्तान को निश्चित रूप से है जो यहां पर है जो बहुत ही समस्या थी आतंकवाद एवं अफगानिस्तान में। भारत ने कहा है कि आतंकवाद एक वैश्विक समस्या है, इसका समाधान भी वैश्विक होना चाहिए। कोटेशन को कोट कीजिएगा, यह एक वैश्विक समस्या है और इसका समाधान भी वैश्विक होना चाहिए, ग्लोबल नहीं होगा, ध्यान रखिए। तो आतंकवाद के मुद्दे पर है दोस्तों ये एक बहुत बड़ी समस्या है, एक ऐसी समस्या है जो आपको मानव संसाधन के साथ साथ अवसंरचना को भी जो धीरे धीरे जो नष्ट कर देता है, आपको है जो ऐसी स्थिति में पहुंचा देगा देश को कि है जो पूरी देश है जो एक है जो बंजर भूमि की तरह है जो हो जाएगी, सब है जो एक ही रास्ते पर जाएंगे, ना वहां पर विकास होगा ना वहां पर है जो किसी प्रकार की है जो मानव संसाधन का सही रूप से प्रयोग किया जाएगा। आप अफगानिस्तान के बारे में आप कहा जाता है कहावत भी है कि भगवान ने जब अफगानिस्तान को बना रहा था तो वहां पर है जो पूरे मैंने ऐसा बनाया कि पूरी तरह से बंजर टाइप की हो गई। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आतंकवाद को भी उसी रूप में देखा जा सकता है कि वो पूरे देश को है जो बंजर कर देता है दोस्तों। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा कि आतंकवाद एक बहुत बड़ी समस्या है, इससे जो निपटना पड़ेगा। तो अफगानिस्तान के मुद्दे पर उसपे है जो कि भारत ने कहा कि जब नाटो के जो मेंबर नाटो के जो सैनिक थे जब चले गए तो भारत को यह समस्या आ गया कि अफगानिस्तान से माध्यम से उन्होंने जिस प्रकार से जो मिडिल ईस्ट के लिए है जो उन्होंने जो सेंट्रल एशिया के लिए उन्होंने जिस प्रकार से रूट बनाया, आप जानते हैं दोस्तों भारत का जो रूट अगर है तो यहाँ पर अफगानिस्तान था और अफगानिस्तान से होते हुए जो दोस्तों यहाँ पर है जो सेंट्रल एशिया तक जो कनेक्टिविटी थी, लेकिन यहाँ पर है जो तालिबान का राज आने से भारत के लिए एक तो आतंकवाद खतरा हो गया, दूसरा चीज की जितना भी परियोजनाएं जो भारत के थी स्मॉल परियोजनाएं थी वह जो खत्म हो गया, चाबहार पे भी है जो कहीं ना कहीं ईरान का रुख है जो उस समय रहा तो इसके लिए एक बहुत बड़ी समस्या का उत्पन्न हो गया। लेकिन अमेरिका ने कहा कि हम ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे कि आतंकवाद है जो ये है जो साउथ एशिया में है जो और यहाँ तक है जो पूरा बन गए। तो इन्होंने जो दोस्तों है जो इस पे है जो अफगानिस्तान के मुद्दा को भारत ने जो बहुत उठाया था और बोला था कि आतंकवाद एक बहुत बड़ी समस्या है, इसे है जो रोकना पड़ेगा और क्वाड ने इसको जो महत्वपूर्ण बिंदु समझ कर दोस्तों है जो इस पे बात किया और है जो डायलॉग है जो दोनों देशों के बीच है जो इस पे जो ज्यादा मजबूती से बढ़ी। तो अफगानिस्तान के साथ भी है जो दोस्तों है जो भारत का है जो संबंध अभी वर्तमान में है जो भारत के न्यूट्रल स्थिति में है
भारत है जो वहां पर एक कमिटी भी भेजा था, एक राजनयिक थे उनके माध्यम से जो वहां कमिटी गई थी, वहां बातचीत कराई थी और है जो अभी वर्तमान में है जो भारत और उस जो अफगानिस्तान के वर्तमान संबंध जो है वो है जो स्थिर रूप से है जो आगे बढ़ रही है। तो इसके जो आपको बात बनाकर थोड़ा सा है जो आगे बढ़ना होगा। दूसरा है कि दोस्तों जलवायु परिवर्तन के समाधान के जो सहयोग की बात हो गई थी, इसमें जो पॉइंट बोल रहे हैं दोस्तों जरूर है जो लिख लीजिएगा और समझा कर इसीलिए लिख रहे हैं कि आपको याद रहे कम से कम। जलवायु परिवर्तन, हर चीज जो है ना वो आपसे जुड़ा हुआ है। हमने क्या क्या पॉइंट बताया कि भाई वहां पर स्वतंत्र एवं समृद्ध है जो हिंद प्रशांत क्षेत्र होना चाहिए, पहला तो नौवहन वाले जो है। दूसरा चीज हमने कोविड प्रबंधन के बारे में है जो हमने बताया, जो आपको रिपीट कर रहे हैं आपको। तीसरा है जो दोस्तों है जो हमने है जो बताया आतंकवाद के बारे में है जो बताया हमने। चौथा है जो अपने जलवायु परिवर्तन के बारे में बताया। तो आपको इस तरह से इमेजिनेशन करना है। तो जलवायु परिवर्तन में क्या है कि IPCC की रिपोर्ट COP26 इसके रिपोर्ट्स को है जो क्वाड देशों ने बोला कि जलवायु ये वैश्विक मुद्दा है, इसको है जो समाधान है जो करना जरूरी है, नहीं तो आने वाला समय में है जो इसका प्रभाव है जो विगत वर्षों में जो पड़ने वाला है वो है जो भयानक पड़ेगा। तो IPCC की स्थापना 1988 में हुई है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। जो IPCC के जो सातवीं आकलन की जो रिपोर्ट आई है उसमें भी है जो सातवीं छठी आ गई थी सातवीं भी आ गई है। सातवीं आकलन की जो रिपोर्ट आई है उसको है जो लागू करने की बात बोली है। और COP26 में जो भारत बोला है कि 2070 तक जो पंचामृत है उसको भी है जो इसमें है जो लागू करने की बात बोली है। बहुत सारी बातें हैं जिसपे जलवायु परिवर्तन के लिए जो चारों उसी ने है जो इसपे जो काम किया है। इसमें बोला है कार्बन रहित क्वाड होना चाहिए, क्लीन शिपिंग नेटवर्क होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कार्बन मुक्त क्वाड होना चाहिए, क्लीन शिपिंग नेटवर्क होना चाहिए, क्लीन शिपिंग नेटवर्क होना चाहिए। और तीसरा है ग्रीन हाइड्रोजन पार्टनरशिप की जो बात बोली है, ग्रीन हाइड्रोजन पार्टनरशिप। तो ये है जो दोस्तों है जो जलवायु परिवर्तन के जो बातें की गई है। अगला है आधारभूत संरचना के विकास में भागीदारी, आधारभूत संरचना के विकास में भागीदारी। आधारभूत संरचना के विकास में भागीदारी, विकास में भागीदारी। देखिए दोस्तों यहां पर है जो अगर हम बात करें तो चीन ने इतना है जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो बनाया 2013 में दिया है, इससे क्या हुआ करीब करीब 150 देशों में BRI का है जो विस्तार हुआ। जिस उद्देश्य से बनाया गया था उस उद्देश्य से भटक कर है जो कहीं ना कहीं है जो यह जो रास्ता है दूसरा है जो अपना लिया। क्या अपना लिया? दूसरा कि भारत की एकता अखंडता को है जो प्रभावित किया, एकता अखंडता को प्रभावित किया। कहां पर? जो POK का एरिया है वहां से है जो बना रहा है। दूसरा चीज है कि डेप्थ ग्रेड की नीति है जो इन्होंने अपना ली, डेप्थ ग्रेड की नीति है जो। तीसरा है दोस्तों विस्तारवादी की नीति है जो निकाली, विस्तारवादी संरक्षणवादी नीति है जो। और है जो देशों में व्यापारी के जगह सैन्य उपयोग का है जो इसमें है जो बढ़ावा दिया, व्यापार के जगह सैन्य उपयोग, सैन्य उपयोग। तो कहीं ना कहीं है जो दोस्तों BRI से है जो समस्या है जो धीरे धीरे जो क्रिएट होने लगी। तो क्वाड ने कहा कि हम इसका वैकल्पिक रूप है जो अपनाएंगे और इसपे है जो काम करेंगे। तो ये सब चीज जो है दोस्तों इसके बाद जो इन्होंने B3C G7 के देशों में भी है जो इस बात को उठा था कि भाई इसको है जो किस प्रकार से है जो इसको किया जाए। तो इसके है जो इसको काउंटर करने के लिए दो पार्ट है जो किया गया है, एक तो है जो B3C G7 के द्वारा इसमें है जो अमेरिका भी है और दूसरा है जो यूरोपियन गेटवे प्रोजेक्ट है जो बनाया जा रहा है, प्रोजेक्ट है जो बनाया जा रहा है। ये थोड़ा सा क्वाड से बाहर है लेकिन रिलेटेड है, लिखना ही है आपको। बिल्ड बैंक बेटर वर्ल्ड जो है जो बात किया गया है,
और यूरोपियन गेटवे प्रोजेक्ट है, ये दोनों मिलकर है जो दोस्तों है जो इसको काउंटर करने की है जो बात कही है BRI को, और BRI को है जो किसी हर प्रकार में जो डेट्रिप की नीति है उससे जो देशों को बचाने की जो बात है जो की गई है। तो दोस्तों ये है जो आपका थोड़ा सा है जो इसमें कुछ और पॉइंट्स थे, ये वीडियो लंबा हो जाएगा तो हम इसको बोल देते हैं कि जो 2022 का जो था और ये जो यूरोपियन गेटवे है प्रोजेक्ट है 2021-27 तक है जो रखा गया है, तो इस पे है जो हम चर्चा करेंगे थोड़ा सा। और जो है 2022 के बारे में हमने ये 2021 के जो लास्ट में हुआ था उसमें है जो उद्देश्य पे रखा गया था उस पर कुछ चर्चा की है, 2022 को भी कुछ है इसमें मिला है, लेकिन कुछ और बातें की गई थी जो शांति एवं स्थिरता के बाद जो बाद में है जो जोड़ा गया, जो रूस यूक्रेन युद्ध है जो स्टार्ट हो गया उसके बाद है जो बोला कि हम है जो इस युद्ध का है समर्थन नहीं करते, लेकिन भारत है जो तटस्थता की बात है जिसमें अपनाया और भारत बोला कि हम अपने जो विदेश नीति का जो हित है उस पर जो हम काम करेंगे, लेकिन उसके बाद भी जो क्वाड की मीटिंग में भारत है जो भाग लिया और अपनी है जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जो पहचान है जो लोगों के सामने बताई। तो शांति एवं स्थिरता की बात अमेरिका भी है, एक तो नाटो का सहयोग कर रहा, दूसरी यूक्रेन का है जो नाटो की तरफ से सहयोग कर रहा, दूसरी तरफ जो शांति स्थिरता की बात कर रहा, तो इसे मीडिएटर के रूप में आना चाहिए। आप जब घर के मुखिया है तो आपको मीडिएट करना चाहिए ना। दूसरा है दोस्तों कि क्वाड फेलोशिप की बात की गई थी जिसमें है जो स्टेम जो है योजना है साइंस टेक्नोलॉजी फिर है जो आपका इंजीनियरिंग और मेडिकल, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग और एम से शायद मेडिकल ही है स्टेम, इसके माध्यम से दोस्तों चारों देशों के 25 स्टूडेंट है जो इसमें जाएंगे और चारों देशों के 25-25 स्टूडेंट 100 जाएंगे और अमेरिका की जो यूनिवर्सिटी है 2-3 यूनिवर्सिटी है उससे है जो पोस्ट ग्रेजुएट साइबर सिक्योरिटी नई टेक्नोलॉजी पर है जो अपना है जो पोस्ट ग्रेजुएशन का काम करेंगे और उसके विकास में दम लेंगे। तो एक स्टेम योजना था उस पर भी है जो आप लिख लीजिए। समुद्री डोमेन जागरूकता के बारे में है जो बात करता है दोस्तों जो अभी हाल फिलहाल में है जो बात किया गया है, फिर है जो अंतरिक्ष के बारे में भी इसको बाद में जोड़ा गया था जिसको है जो बाद में आप जोर करके जो लिख सकते हैं। तो थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है नहीं तो इस पे और थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं, तो कल हम जब ऑकस करेंगे ना इस पे थोड़ा सा और है जो दोनों कर मिलाकर जब करेंगे तो आपका पूरा हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपका क्वाड है जो करीब करीब है जो मुझे लग रहा है कि हो गया होगा। कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आपको हम बता देते हैं। अब कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको है जो सुनना चाहिए कि क्या क्या होना चाहिए इसमें। देखिए दोस्तों यहां पर समस्या क्या उत्पन्न होती है जो हमने कुछ लिखा है उस पर जो चर्चा कर लेते हैं कि यहां है कि चीन चुनौती है, कैसे चुनौती बन जाता है। एशियान के देश है जो चीन पर निर्भर है, क्या है एशियान के देश है जो चीन पर निर्भर है। चीन की नीति को रोकने के लिए जो अमेरिका की जो सामरिक नीति है उसमें है जो दोस्तों कहा कहने की बात अलग है, लेकिन यहाँ का जो व्यापार है या भारत हो चाहे जापान हो चाहे ऑस्ट्रेलिया हो चाहे एशियान के देश हो वो है जो निर्भर जरूर है चाइना के ऊपर। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी समस्या है जो उत्पन्न है जो यहाँ पर हो जाती है। भारत का द्विपक्षीय व्यापार है जानते हैं 277 अरब डॉलर के आसपास से जो हमेशा रहता है। दूसरा चीज है कि दोस्तों कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है ऑस्ट्रेलिया का भी ट्रेडिंग पार्टनर है, चाइना जापान का भी ट्रेडिंग पार्टनर है, चीन भारत का भी ट्रेडिंग पार्टनर है, तो किस प्रकार से जो हम कह सकते हैं कि चाइना को यहाँ पर है जो, लेकिन जो वास्तविकता उसे है जो कभी है तो नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे है जो क्या होना चाहिए कंक्लूजन में, तो भारत एशिया के सुपर पावर के रूप में बन सकता है अगर इस गठबंधन को इस प्रकार से और बढ़ाया जाए। तो अभी कई रचनात्मक कदम है जो भारत को चलना है, राष्ट्रगत एजेंडे पर है जो काम करना है। चीन पर लगाम लगाने के लिए भारत को और आत्मनिर्भर होना होगा, समानांतर एवं आर्थिक गठजोड़ की जरूरत होगी। अमेरिका हित में अगर बात करें तो सुपर पावर रह सकता है अगर है जो इस प्रकार की राजनीतिक और आर्थिक कूटनीति को सही रूप से चलाए तो। दूसरा है कि जापान को और सक्रिय भूमिका में इसमें आना चाहिए, गठबंधन सकारात्मक रूप में रहेगा, आपसी विवाद नहीं रहेगा तो है जो ये गठबंधन है जो आगे है जो और चल सकता है। आर्थिक निर्भरता को है जो कहीं ना कहीं है जो एक दूसरे देशों के साथ है जो शेयर करना पड़ेगा, तो निश्चित रूप से है जो इस गठबंधन को और है जो आगे है जो बढ़ने में है जो मदद मिलेगी। तो दोस्तों इस पे ही है जो करीब करीब जो हमने है जो आपको बताने का प्रयास किया। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ,
अगर अच्छा लगेगा तो जरूर है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं वीडियो के साथ। धन्यवाद।